एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का गणेश पूजा ब्लॉग। सुंदर है ना मेरा बेटी, आप सबको हाय बोल रही है और हैप्पी गणेश पूजा बोल रही है। जैसे कि आप सबको तो पता है फेस्टिवल आने में घर में कितना कुछ काम बढ़ जाता है, पहले दिन से ही शुरू हो जाता है फेस्टिवल का काम, प्रसाद बनाना हो, घर का सब साफ सफाई हो, सजावट हो। उसी तरह मैं भी पहले दिन से ही गणेश जी में प्रसाद जो चढ़ेगा मोदक उसको मैं बना ली थी, मतलब रात को ही बना ली थी उस गणेश चतुर्थी का पहला दिन। कैसा बना है आप सब कमेंट करिएगा और उसका फुल वीडियो जो है मेरा चैनल में अपलोड है, आप जाके उधर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं अभी मेरा कुछ मैं रात को सजावट कर ली थी जो कि मैं बहुत टायर्ड हो गई थी तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी। तो आज सुबह का ही मैं नहा धो के सबसे पहले जो बाकी था सजावट करने का उसको मैं पूरा कर ली। यहाँ ये जो सामने जो दो ठो देख रहे हैं जो फ्लावर में डाली ही हूँ उसको मैं बनाई थी मैं लास्ट ईयर दिवाली में मैं बनाई थी, जो कि मुझे हर त्यौहार में काम हो जाता है, उसमें सजावट के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ इस तरह से मैं फ्रूट्स वगैरह भी वाश करके रख ली हूँ और कुछ स्वीट्स वगैरह भी रख ली हूँ, मोदक जो बनाई हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी थोड़ा सा पोज देने लग गई है फ़ोटो खींचने के लिए, बोला कि मामा मैं थोड़ा फ़ोटो खींचूँगी। तो जब पंडित जी आएंगे तभी थोड़ा सा उनका कुछ मंत्र है वो बोल के भगवान का फेस खोलेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैं सजावट हो गया, उसके बाद मैं थोड़ा यहाँ पे खीर बैठा रही हूँ, मतलब हो गया है और यहाँ पे मिक्स भेज भी हो गया है। और मुझे यहाँ पे मटर थोड़ा भिगा दिया रात के डिनर के लिए, और बीच बीच में थोड़ा इधर उधर जाना भी पड़ रहा था, बीच में बेटा को टिफ़िन देने के लिए स्कूल भी जाना पड़ा, उसके बाद आके मैं खिचड़ी भी बैठा दी, खिचड़ी भी हो गया है। और अभी पंडित जी आ गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 11:30 या 11:35 ऐसे हो रहा है। अभी पंडित जी आ रहे हैं कुछ मंत्र बोल के, वो भगवान का फेस खोल दिए हैं, अभी कलश भी बैठ गया है। और हम लोगों का तो गणेश चतुर्थी में घर में ही बनाती हूँ तो इसीलिए घर में ही सब कुछ, जो भी मिठाई वगैरह बनाना होता है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं घर से ही बना के दूँ, क्योंकि बाहर में तो बहुत सारा मिलावट चीज़ होता है, मतलब उसी हाथ में कुछ अलग चीज़ पकड़ लेते हैं, उसी हाथ में स्वीट्स दे देते हैं। तो मैं ज़्यादातर प्रीफर करती हूँ घर में बना के देने के लिए। आप सब भी, आपसे हो सकता है तो घर से ही बना के आप संकल्प भगवान जो लेते हैं उसमें मैं बैठी हूँ, क्योंकि हस्बैंड का थोड़ा काम था इसीलिए मैं बैठी हूँ। लेकिन मैं बैठ जाने से ना बहुत कुछ काम इधर उधर भाग के भी करना पड़ता है तो इसीलिए बीच बीच में उठना भी पड़ रहा है। और मेरा बेटी उधर बैठ के पूरा एंजॉय किया है पूजा को, जो भी पंडित जी मंत्र उच्चारण करते थे तो वो भी अपना स्वीट स्वीट सा वॉइस दे के जितना भी उसका मुंह में आता है उतना बोलती गई, तो अच्छा लगा देख के। हम लोग घर में अगर करते हैं पूजा फेस्टिवल कुछ करते हैं तो बच्चे लोग कुछ सीखने को मिलता है, उनको पता चलता है ये पूजा में ये सब होता है। चलिए यहाँ पे पंडित जी मंत्र उच्चारण करके पहले तो अपने को शुद्ध करने के लिए बोलते हैं, तो वो मंत्र उच्चारण जो है वो शुद्धिकरण का मंत्र उच्चारण किया है। तो नहीं तो हमारा अगर मन और हृदय शुद्ध नहीं होगा तो हम भगवान के पास कैसे मतलब आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए पहले वो सब बहुत ज़रूरी है। पंडित जी अपना कुछ मंत्र अभी बोल के भगवान को फूल चढ़ाएंगे, फिर थोड़ा प्रसाद भी चढ़ाएंगे जो मैं घर में बनाई थी। यहाँ पे आपको मेरा बेटा नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे तो बच्चों का स्कूल ओपन रहता है, क्लोज नहीं होता है। बेटी को फ़िलहाल मतलब स्कूल में नहीं भेजी थी क्योंकि वो अभी छोटा है तो मुझे थोड़ा भाग दौड़ करके उसको स्कूल लेके जाना पड़ेगा, फिर लेके आना पड़ेगा इसीलिए। तो वो भी थोड़ा पूजा एंजॉय भी कर रही थी क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी कि पूजा होगा घर में, सजावट के दिन से ही वो बहुत एक्साइटेड थी।
अभी यहाँ पे हवन चल रहा है, बहुत धुआं धुआं हो गया है पूरा घर। तो हवन होता है, मेरा जो हवन यज्ञ करने का जो हवन कुंड था वो कोई दूसरा के पास में है, वो लिया था, इसलिए मैं इसी में से कर ली हूँ। अभी देखिए मेरा जो भगवान है कितना सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे तो ज़्यादा बड़ा मूर्ति नहीं मिलता है, तो मुझे जो दुकान में छोटे छोटे मूर्ति सब जो रखते हैं तो उसी वहीं से लेना पड़ा। तो घर पूरा धुआं धुआं हो गया है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। लास्ट में मुझे इसको ले के बाहर रखना पड़ा जब हवन हो गया था, क्योंकि छोटा जगह है ना, तो वो बहुत सारे एक साथ इकट्ठा होके धुआं होने लग गया है। अभी पूजा ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग लंच कर लेंगे, उसके बाद शाम का आरती करेंगे। यहाँ पे शाम हो गई थी तो मैं शाम की आरती कर रही हूँ। मेरा बेटा का कुछ दोस्त आए हुए हैं ऐसे खेलने के लिए, वो आते हैं कभी कभी, तो वो लोग गणेश वंदना बोल रहे हैं। शाम के आरती वगैरह खत्म होने के बाद मैं चली गई, बच्चों के लिए मटर भी गई थी जो उसको सब्जी बना दिया, पूरी बना ली, खीर तो बना के रखी थी, और बच्चे लोगों को अभी थोड़ा खाने के लिए दे दूंगी, क्योंकि बच्चे तो भगवान जैसे ही है, तो अच्छा लगता है फेस्टिवल के टाइम पे आप बना के बच्चों को थोड़ा खाना खिलाएं, अच्छा होता है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक बार और एक ब्लॉग के साथ। आपको मेरा ये पूजा कैसा लगा और जो मोदक बनाया हूँ वो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।